स्कूल एनुअल डे। अच्छा एनुअल डे, ओके। नहीं वैसे रेगुलरली संडे तो फ्री है ना? यस सर, रेगुलरली फ्री। ठीक है ठीक है, तो मतलब वैसे हम संडे को क्लासेस लगा लिए करेंगे। नहीं यार 3 o'clock नहीं है, वो आफ्टर 4 हो पाएगा देख, क्योंकि मेरी भी संडे में वीकेंड बैचेस होते हैं, तो 3:30 पे तो मैं ही फ्री हूँगा। बट हम ये कर सकते हैं, हाँ 3 के बाद, हाँ राइट 3:30 के बाद ही ठीक है। तो मतलब शाम को अगर मैं संडे को किसी दिन क्लास रखवाता हूँ तो मैं रख सकता हूँ ना, एक तो संडे का शाम का स्लॉट मेरे पास फ्री है। रात में प्रॉब्लम होती है, शाम में रख सकते हैं ना, तो शिक्षा बोल रहे हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, शाम में रखेंगे, ज्यादा लेट नहीं रखेंगे। मतलब मैं 9 क्रॉस नहीं करूंगा, मैं ही करूँ। हाँ ठीक है, 9 क्लास क्रॉस नहीं होगी, 9 तक क्लास खत्म हो जाएगी, तो 4 से 9 के बीच की विंडो में मैं कभी भी क्लास रख लूंगा। मतलब ऐसा होता है ना कि संडे को मेरा भी शाम में फ्री होता है, तो कभी कभी मुझे भी कुछ काम होता है, तो उसी हिसाब से वो टाइमिंग में ऐसा रिजिड टाइमिंग नहीं दे रहा कुछ कि हम 4 पे ही रखेंगे या ऐसे ही रखेंगे, वो मैं भी अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। और मैं तुम्हें हर बार संडे में जब भी मेरे को एक्स्ट्रा क्लास रखनी होगी मैं तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन भिजवा दूंगा। एक और बात, ट्यूसडे की क्लास, तुम्हारा ट्यूसडे को क्या शेड्यूल है ये बताओ मुझे। ट्यूसडे को हमारी मैथ्स की ही होती है, सिर्फ मैथ्स की होती है। सब मेरी दोपहर में, सब मेरी शाम में बायो की होती है। तेरे पास बायो भी है रोशन? यस सर। क्या बात है सर, मेरी आते हैं नीम सुने तूने? गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा रखी गई है, जिसने मैथ्स और बायो दोनों लिए। क्या बोल रहे थे ऋषभ सर? मैं कह रहा था 4:30 के बाद कभी भी ट्यूसडे को आप रख सकते हैं। यार ट्यूसडे मेरी भी ऑलरेडी क्लासेस होती हैं वैसे, तो ट्यूसडे को तो बस मैं आधा घंटा इंक्रीज कर सकता हूँ कि मैं 7:30 to 9 के बजाय 7 to 9 कर सकता हूँ क्लास। हाँ सर ये ठीक है, ठीक है ओके। और वेंसडे शाम का क्या शेड्यूल? सर वेंसडे को एक तो सर 9:30 पे हमारी फिजिक्स की होती है, और 5:30 to 7 केमिस्ट्री होती है। 5:30 to 7 केमिस्ट्री होती है, एंड फिजिक्स कब होती है? 9:30 to 11 ओके, काफी लेट। तब कैसे कंफर्टेबल होते हो? सर एक ही दिन की बात होती है सर, वो तो ठीक है ओके। मतलब तुम संडे वेंसडे की शाम में और ट्यूसडे को मैं 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ अगर मेरे को कभी भी रखनी होगी ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, आप मेरे को ये बता दे रोशनी जरा, लास्ट क्लास में तुमने कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ सर लास्ट क्लास सर बता देना सर, एक्चुअली सर मेरा बर्थडे था तो मेरी पूजा थी घर में ट्यूसडे को। अरे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सर ऋषिक। बट लास्ट क्लास कैसे बता दे, वीडियो देख लियो, थोड़ा सा देखने का जरूरत पड़ेगा। टॉपिक आप बता दो क्या हुआ था। हाँ हाँ मैं बता दूँ, एक बार मेरे को बता दे रोशन कहाँ पे थे। यार रुक जा 2 मिनट सर, आप फॉर्मूलाज को बता के उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस कर रहे थे। उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने जो है फॉर्मूले के बाद शुरू करा था जब क्वेश्चन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने पहले करा होगा एलजेब्रिक लिमिट्स, Yes, उसके sir. बाद हमने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। Yes, sir. तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स सारी सॉल्व कर चुके थे? कितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास में? बहुत सारे, मैंने नंबरिंग नहीं किया सर। हाँ बहुत सारे। सर आप वो मॉड वाला बता रहे थे जिसमें दोनों एलएचएल आरएचएल निकालना पड़े।
मुझे लगता है कि हमने लास्ट क्वेश्चन एक्सटेंड टू एक्स वाला किया था. कैन यू प्लीज चेक. यस सर. एक सेकंड. ठीक है आरिश, मैं तेरे को आईडिया भी देता हूँ क्या हमने पढ़ा था. तो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े. हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूले थे, 7-8 फॉर्मूले हमारे पास लिमिट्स में. और वो फॉर्मूले बेसिकली पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए वैलिड है. कि आपको एलजेब्रिक लिमिट्स में तो कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है तो साइन एक्स अपॉन एक्स टैन एक्स अपॉन एक्स यूज कर सकते हैं. सिमिलरली वैसी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स भी हैं, है ना. और वैसे ही हमारे पास इनवर्स की लिमिट्स है. तो वो फॉर्मूले तुमने स्कूल में भी पढ़े होंगे, उन्हीं पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे. तो हमने दो निपटा दिए, एलजेब्रिक लिमिट्स निपटा दिया. एलजेब्रिक लिमिट्स हम निपटा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम निपटा चुके हैं. अब हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हमने यहाँ पे सब टॉपिक्स डलवा दिए थे. मेन हेडिंग टॉपिक की है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूली. और इसमें सब टॉपिक्स हैं कि हम आपको अलग अलग लिमिट्स सॉल्व करना सिखा रहे हैं, पर्टिकुलर लिमिट्स. जैसे अब जो हमारा चलने वाला है वो होगा इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हुई लास्ट क्लास में, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हुई. हां सर, क्योंकि सर एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक तो मैंने भी लिखी हुई है, तो उससे पहले भी आप करा चुके हो. उस पर आपने क्वेश्चंस कराए होंगे सर सिर्फ. हां मैंने क्वेश्चंस क्योंकि दो ही किए हैं. ऐसे मत बोल यार, हमने तो पिछले क्लास में पूरा टॉपिक स्टार्ट किया दोबारा. ये evaluation of limits using standard formula, ये लिख लिया था तुमने? हाँ सर, मेरे पास पूरे लिखे हुए हैं फॉर्मूले सारे. फॉर्मूले लिख रोशनी और अक्षत नहीं बताया मेरे को, तो जो भी बताया मैंने तो इनसे पूछा था कि बता दो कहाँ पे हैं. फॉर्मूले पूरे लिखे हुए थे. एलजेब्रिक लिमिट के आपने 4 सवाल करा दिए थे और ट्रिग्नोमेट्री के 5 और 2 आपने मुझे दिए थे. पूरी क्लास खराब कराई है रोशनी और अक्षय तुम दोनों. चलो कोई बात नहीं. ठीक है यार, वो तो कर ही चुके हैं. पहले मैं इसको लिखने से पहले, माय बैड सॉरी, एक बार इसको काट दो. अब इस पे आएंगे वापस हम, पर इससे पहले और क्वेश्चंस करने हैं हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के. तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ. सबसे पहले तो जरा ये क्वेश्चन करिए. मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये समझिए पहली बात तो. चेक कर सकते हैं एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा. तो 0/0 की फॉर्म है एक बात, 0/0 की फॉर्म है. हाँ सर. बोल बोल. जी सर, मैं कह रहा था सर यही दिया था आपने मैं पिछले से पिछली क्लास ये दिया था सर. और x tan 2x minus 2x tan x upon 1 minus cos 2x whole square. यही लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने पिछली क्लास में. अरे यार सर तो रिपीट हो गई. पिछली क्लास थोड़ी सी इलैबोरेटेड थी पिछले वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आराम से मतलब लगभग 20-25 क्वेश्चन करे. हाँ सर, फिर तो सर मेरे में सर 5-6 हैं, तो सर मैं क्वेश्चन दूसरे कर लूंगा. चलो फिर इसे करो सॉल्व. हुआ सॉल्व कृषि? नहीं सर, ये नहीं हुए थे, मैंने सर करे थे कुछ. चलो ट्राई करते हो. तो यार सबसे पहले हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए. एक बात के एक तरीका तो है ही, खैर इसको लॉपिटल से सॉल्व करने का, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. और लॉपिटल से थोड़ा सा बड़ा भी बन सकता है ना. नीचे 3 चीजों का प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो या तो साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बना लो, तब सॉल्व करो, तब ज्यादा सही रहेगा अगर लॉपिटल से करना चाहते हैं. बट अभी हम लॉपिटल की बात ही नहीं कर रहे. लॉपिटल तो हमें आ गया,
आप उससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्व करना शुरू करो, कहीं प्रॉब्लम आए मुझसे पूछो, मैं बार बार लॉपिटल से नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको और भी मेथड सिखाना चाहता हूँ ना, तो मतलब लॉपिटल तो हमने एक मेथड सीख ही लिया, अब और देख लेते हैं दूसरे। जस्ट गिव मी वन मिनट। हाँ जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें लगा सकते हैं हम। अब हमें यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आएंगी तो ऑब्वियसली दो फॉर्मूले तो ये वैलिड होंगे ही होंगे कि साइन एक्स अपॉन एक्स एंड टैन एक्स अपॉन एक्स, बट इसके साथ साथ और भी चीजें, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं वो सब भी यूज करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ऑल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखो वन क्यूब लिख ले रहा हूँ, इसको वन को वन क्यूब भी लिखूंगा तो चलेगा, इसलिए लिखा जिससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा पाऊँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे है एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो कि ना तो मुझे कॉस एक्स से प्रॉब्लम, ना मुझे इस वाले पार्ट से प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लमैटिक। एक प्रॉब्लम ये, एक प्रॉब्लम एक्स, एक प्रॉब्लम साइन एक्स, ठीक है जी। जैसे मैंने ये 1 माइनस कॉस एक्स लिखा तो मैं इस पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ फिर से, अभी तो बहुत बार फॉर्मूला लगवा दिया हमने पिछली क्लास में ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला, तो अक्षत कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को? लास्ट क्लास में जो हमने डबल एंगल फॉर्मूला था उसको यूज करते हुए हाउ वुड वी राइट 1 माइनस कॉस एक्स? इतनी बार लगाया हमने रोशनी वन माइनस कॉस टू थीटा, ऋषिक बता वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। और साइन एक्स पे अगर हम डबल एंगल का फॉर्मूला लगाए तो क्या लिख सकते हैं? टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है जी, इस cos x by 2 और cos x दोनों से ही प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स तो बस इनसे ही है, sin x by 2 से, 1 minus cos x से। चलिए जी, 1 minus cos x को भी लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर x by 2 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x, चाहूं तो cos स्क्वायर x cos x इन सबको बाहर भी निकाल सकता हूं, इनफैक्ट निकाल ही दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी, बार बार लिखूं मैं इसको, क्योंकि इससे आंसर मेरा आ चुका है, ये तो हमारी फाइनाइट वैल्यूज दे रहे हैं। जीरो रखेंगे तो ये थ्री बनेगा, जीरो रखूंगा तो ये वन बनेगा, तो ये थ्री मैंने निकाल दिया बाहर, और इसको लिखा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में एक्स इंटू, इसको लिखा टू साइन एक्स बाई टू, एक टू से टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर साइन एक्स बाई टू है नीचे एक्स है, तो इसके लिए मुझे इंटू टू और ये भी करना पड़ेगा, ये टू बाहर निकल गया तो आंसर आ गया 3 by 2 लिमिट x tends to 0 sin of x by 2 divided by x by 2 which is 1, तो आंसर बना हमारा 3 by 2। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो पिछली क्लास में सॉल्व करा दिया है, देख सकता है, बस वहां पे tan 2x का फॉर्मूला ओपन करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मैं दिखा भी देता हूं तेरे को, वो हो गया था सॉल्व कि नहीं? सर मैं कर लूंगा सर, नहीं होगा सर तो मैं पूछ लूंगा।
एक सेकंड रुक, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन। ये लिखा हुआ है वो इक्वेशन x tan 2x, तो मैंने साइड में लिख भी रखा है, दो फॉर्मूले अप्लाई होने tan 2x वाला 1 minus cos 2x का, और फिर सिंपलीफाई करते चले गए बस, और कुछ नहीं करना। ओके सर, सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। एक और क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी कॉमन है आपको देखने को मिले। ISI ने तो पूछ भी लिए हैं ये क्वेश्चन, इनफैक्ट ISI नहीं, जेई ने भी पूछ चुका है। आपके पास है लगभग 1.5 मिनट, आप सॉल्व कर सकते हैं तब तक। आपको बताना है ए और बी की वैल्यू। आपसे ये बताया गया है कि एक एक्सप्रेशन है 4 + sin 2x + a sin x + b cos x / x² इस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्सटेंड्स टू 0। तो ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी? और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। सॉल्व हुआ कोई भी ए या बी के लिए? ओके, बोला ये जा रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला काम मैं लिमिट्स को देखता हूँ, मेरे को वैल्यूज पुट करके देखनी चाहिए कि क्या बन रहा है। डिनोमिनेटर तो सर्टेनली जीरो ही आ रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो डिनोमिनेटर बना जीरो। पर जब मैं न्यूमिनेटर पे जाता हूँ तो 4 + sin 0 0, ए साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, प्लस बी कॉस जीरो इज b। तो न्यूमरेटर में x की वैल्यू जीरो रखने पे मेरे पास बनता है 4 + b, और डिनोमिनेटर में बनता है जीरो। 4 + b / 0 का आंसर इंफिनिटी है ना, और इंफिनिटी मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बट बोला क्या गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखता हूं तो ये बन रहा है 4 + b / 0 = इन्फिनिटी।
और इन्फिनिटी का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट बोला गया लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर बोला गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तभी हो सकता है जब ये जीरो ऊपर भी बन रहा हो और नीचे भी जीरो बन रहा हो। नहीं भाई, अगर ऊपर भी जीरो बन जाए और नीचे भी जीरो बन जाए तो जीरो पॉइंट जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करा जा सकता है, पर अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही ना बने तो आंसर इन्फिनिटी है सर्टेनली, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। बट ये बोला गया है आपको कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अनलेस 4 + b = 0। तो पहली चीज कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे अगर ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में जब ए और बी फाइंड आउट करना होगा तो ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। पहली एक वैल्यू तो हमेशा ऐसी निकल जाएगी कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनाओ। तो हम इंडिटर्मिनेट इसलिए बना रहे ताकि हमारे पास मतलब ऑप्शन हो कि हम सॉल्व करके देख लें कि मतलब तभी आंसर आ सकता है। देख मतलब एक पॉसिबिलिटी तभी है आंसर आने की कि पहली बात तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बन रही तब तो आंसर इन्फिनिटी है ही। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म के बाद भी आंसर इन्फिनिटी हो, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट केस ही वही बनता है, पॉसिबिलिटी वही बचती है कि 4 प्लस बी भी जीरो होना चाहिए। तब भी अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो तब भी हम एक केस में ये सोच सकते हैं कि हाँ शायद आंसर आ जाए, और आंसर तो आना ही चाहिए क्योंकि उसने बोला हुआ है हमसे कि आंसर आएगा। करेक्ट है, गुड अक्षत। फिर कैसे सॉल्व किया आगे बता मुझे। चल बी को प्लेस कर दिया, बी की वैल्यू को प्लेस कर दिया तो ये बन गया हमारे पास अब क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम ये सॉल्व कर रहे हैं 4 sin 2x + a sin x - 4 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अब ये 0/0 भी बन रहा है, हमें पता है इसका आंसर कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे करें एक्शन बताएगा। मैंने तो लॉपिटल रूल से किया, वैसे नहीं हो रहा है। आप लॉपिटल लगा दो, सही बात है, 0/0 बन रहा है तो आप लॉपिटल लगाओ। लॉपिटल लगाएंगे तो मतलब क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते थे, बट जब हमें अब ये इसका पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के काम बहुत कर लिए हमने, 12-15 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे, तो सॉल्व करना तो हम सीख ही चुके हैं। यहाँ पे हमें दूसरी चीज हम सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि अननोन वैल्यूज दी जाएंगी, कुछ अननोन क्वांटिटीज दी जाएंगी, यू हैव टू फाइंड देम। कैसे फाइंड आउट करें? तो बिल्कुल सर्टेनली आपको लॉपिटल रूल से ही जाना है। 4 का आया 0, साइन 2x का करूंगा पहले, साइन का करा कॉस 2x, फिर 2x का करा जो कि आया 2, प्लस ए साइन एक्स का करा तो ए कॉस एक्स, कॉस एक्स का करा तो माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया प्लस के 4 sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का करा तो वो आया 2x। फिर से 0 रखा, अब देखो फिर से 0 रखा तो डिनोमिनेटर तो फिर 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर भी 0 बनना चाहिए, अभी भी लिमिट तो तभी एग्जिस्ट कर पाएगी। तो ये बना लिमिट x tends to 0, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, पुट x इज इक्वल्स टू 0 अगेन। तो जब 0 पुट करूंगा तो देखो ये बनेगा हमारे पास 2, फिर से ये सॉल्व करा तो ये बना हमारे पास a cos x का मतलब a, और ये बन गया 0, तो 2 + a / 0 यानी कि इन्फिनिटी। इसका मतलब फिर से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस 2 + a / 0 ना हो, क्योंकि हमें फिर से इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे हमने देखा कि 2 + a 0 होगा तो इसका मतलब a की वैल्यू होगी -2। तो अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं फिर से आपको अब आंसर भी निकाल के दिखाना चाहूंगा इसका आंसर क्या है। ये मैं हटा रहा हूं क्वेश्चन, तो इसका मतलब अब मेरे पास सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x, और मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, a को -2 रखते ही, तो ये बनेगा 2 cos 2x का हो जाएगा, 2 तो बाहर ही आया, cos 2x का बना माइनस के sin 2x, और फिर अंदर 2x के पास पहुंचा तो उसका हुआ 2,
माइनस ए साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू। आपने एक्स की वैल्यू रखी जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, यहां पे बचा फोर, नीचे बचा टू, आंसर आया टू। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का आंसर भी आ रहा है टू, पर तभी एग्जिस्ट करेगी जब बी माइनस फोर और ए माइनस टू। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी कॉमन है बाय द वे, आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मिलेंगे भी असाइनमेंट्स वगैरह में जहां पे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कुछ अननोन वैल्यूज। तो आप इस तरीके से करें, ये सोचते हुए करें कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की, काफी क्वेश्चन हम इस पर लगा चुके हैं। हमें आंसर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी बाय द वे, ये तो मैंने आपके लिए निकाला है बस ऐसे ही कि आप समझ लो कि हाँ आंसर भी आ रहा है, देखो लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही। हमें तो बस ए और बी निकालते ही रुक जाना था, तो उसमें भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम नोट्स बना रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मली करेंगे क्वेश्चन तो थोड़ा तेज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड या एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, सी सब पार्ट है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से लिमिट्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जितने भी अलग अलग लिमिट्स के फॉर्मूले हैं हम सबका यूसेज दिखा रहे हैं आपको। पहले एलजेब्रिक लिमिट सॉल्व करी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करी, अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आए, मैं आपको फॉर्मूले भी बताना चाहूंगा वापस। कैन आई रिमूव दिस? यस सर। ओके, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे वैलिड होंगे अगर आपने हेडिंग डाल लिए तो। ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, आंसर आएगा वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, आंसर आएगा लॉग ए। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, आंसर आएगा हमारे पास वन। हमने आपको यहाँ पे एक बात और बताई थी कि आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ है वही यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ पे होना चाहिए, और जो यहाँ है वन प्लस के साथ वही नीचे भी होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होंगे। चलिए कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं पहले, तो कुछ बेसिक से इवैल्यूएट जिससे कि आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, 2 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो सबसे सिंपल चीज है ये, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, जरा आंसर बताओ। बताओ आंसर। 2 log 2,
ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ बिल्कुल, तो ये 2 बाहर निकल गया और 2 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 2 बाहर निकला, आंसर आया log 2। चाहूं तो 2 को अंदर भी लेके जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा log 4। चाहूं तो इस log 4 को देखो एक और तरीके से, हम तो log वो सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, 2 अंदर चला जाएगा पावर में log 4 बन जाएगा, पर चाहूं तो मैं इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, विच इज अ बेटर वे टू सॉल्व दिस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। 2 की पावर 2x को मैं 4 की पावर x नहीं लिख सकता क्या? बन गया सीधा फॉर्मूला है, क्यों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही है, आप 2 की पावर 2x को 2 की पावर 2 की होल पावर x लिख दो तो 4 की पावर x बन गया, वो बन गया आंसर सीधा log 4, सीधा फॉर्मूला है, ऐसे भी कर सकते थे। सर एमसीक्यू में हो सकता है 2 log 2 हमारा आ रहा है बट log 4 दिया तो इसमें इशू आएगा अगर भूल गए। बिल्कुल हो सकता है, इसी दिन के लिए तेरे को लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है ये समझ लेते। जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा बदलना चाहूंगा इस क्वेश्चन। सर कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी पे भी होती है ना, कुछ फॉर्मूला एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी के लिए भी है, बिल्कुल पर करेंगे सॉल्व, अभी नहीं करेंगे, मतलब पहले ये खत्म कर लें स्टैंडर्ड फॉर्मली, फिर दो फॉर्म जो सॉल्व करेंगे ना, एक इनफिनिटी बाय इनफिनिटी और 1 टू द पावर इनफिनिटी की फॉर्म सॉल्व करेंगे, और फिर दो तीन क्वेश्चन इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, वही वाली कह रहे हैं ना तो जिसमें कि वो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाता है और या 0 या प्लस माइनस इनफिनिटी। हां सर बनवाएंगे फॉर्मूले सब बने स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है कुछ ऐसे, वो फॉर्मूले मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो यही है, मतलब वो तो बस हमारे रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे मत देखना कि e की पावर 2x है और फिर e की पावर 2x का पूरे का होल स्क्वायर है, नहीं ये 2x का होल स्क्वायर है सिर्फ, ये बन जाएगा e की पावर 4x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था रोशनी? होना क्या चाहिए था अपॉन में, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए था, 4x e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में क्या होना चाहिए था, सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। बिल्कुल सेम पैटर्न है साइन कॉस साइन टैन वाला यहाँ पे भी, तो जो भी e की पावर में लिखा हुआ है बच्चे वही होना चाहिए अपॉन में भी, बट अभी हमारे पास x स्क्वायर है सिर्फ, तो क्या करें बता, ये कर देना e की पावर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर चाहिए तेरे को, ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 बाहर निकल जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 4। क्यों? यस सर। ये बताइए जरा, सेम ट्रिक्स रिपीट होती जा रही हैं, यही चीजें हम एग्जैक्टली यही चीजें हम एलजेब्रिक में लगा के आए, यही चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में लगा के आए, और यही चीजें हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में लगा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं होते हैं, वैरायटी होती है, मैं नहीं कह रहा, बट मतलब वी कैन इंटर रिलेट। हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, बिल्कुल भेज दे, बता दे तू ऐसे ही सीधा, ये तो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बताते चला जा आंसर, इसे सिंपलीफाई करके और बता दूं सर, बेस अभी तो फर्स्ट स्टेप ही, कोई बात नहीं तू वही बता दे मेरे को, मैं समझ तो जाऊं कि सही भी है कि नहीं। हाँ सर, वो पहले x से डिवाइड करेंगे फिर 2 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सर फिर वो बन जाएगा, या फिर सर पावर ही ले जाएंगे कि 9x हो जाएगा वो,
8 की पावर x हो जाएगा, फिर x से बस नीचे कर देंगे तो log 9 अपॉन log 8 हो जाएगा। बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसे sin 2x अपॉन sin x सॉल्व करा था, sin 2x के लिए नीचे 2x चाहिए था, sin x के लिए x चाहिए था, तो दोनों को x से डिवाइड कर दिया करते थे। वैसे यहां पे पहली चीज तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर 2x को लिख दूंगा 9 की पावर x माइनस 1, अब इसके अपॉन में x चाहिए, 2 की पावर 3x को लिख दूंगा 8 की पावर x माइनस 1, इसके भी अपॉन में x चाहिए, तो दोनों को x से डिवाइड कर दिया ऐसे समझ लो। जब तक दोनों को सेम काम कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी log 9, नीचे बन जाएगा log 8, और सॉल्व करूं तो ये भी लिख सकता हूं log 9 बेस 8, बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करते हुए, तो ये भी लिख सकता हूं। इसका आंसर बता दीजिए जरा मुझे फटाफट। बहुत टफ क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं दे रहे हो अभी तक? नहीं सर, वो करेक्ट है वाला नोट कर रहा था, भेज रहा हूँ आंसर। ऐसे ही बता दिया करो सीधे इन सब के आंसर यार, ये तो हमें बेसिक सवाल कर रहे हैं, फॉर्मूले लगाने सिखा रहे हैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल, 3/2 फॉर्मूले लगाने के लिए कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं जितनी भी बातें। सच कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, तो क्वेश्चन तो हम निकाल रहे हैं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन बहुत हमारे पास, क्वेश्चन भी कराएंगे अच्छे। पहले फॉर्मूला तो लगाना सीख लें जरा। यहाँ पे देखते हैं कि 1 + 3/2 एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी 3/2 चाहिए, ऊपर भी 3/2 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू बन गई 1, तो आंसर आ गया 3/2। चलो अब जरा ये करो सॉल्व एक बार, पहले तो इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूले से सॉल्व करने लॉपिटल से नहीं। लॉपिटल बहुत बढ़िया है, मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें और भी सीखनी पड़ेगी। सर बता दो,
लॉपिटल लगा सकते हैं ना, लॉपिटल तो लगा ही सकते हैं ऋषिक, हमने सिर्फ हमारा पर्पस अभी आंसर निकालना थोड़े ना, पेपर में करियो सारे काम, टेस्ट में करियो सब काम, ये अपनी घर पे प्रैक्टिस के लिए करियो बिल्कुल, अभी मेरे साथ तो कुछ और चीज सीखना, फिर मेरा फायदा क्या है ये बताओ। नहीं सर ये वाला एडवांटेज ही नहीं लेगा ऐसे। सर मामला तो नहीं बन रहा, सर बन रहा है फिफ्थ में, बन रहा है बता दे तो हाँ, कैसे बन रहा है सर, x में प्लस वन माइनस वन करेंगे तो x माइनस वन ब्रैकेट में और फिर एक वन प्लस x माइनस वन। बिल्कुल देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा था, इनडायरेक्टली दिखाई देगा फॉर्मूले में, डायरेक्टली पहली बात तो लगाने के लिए अंदर वन प्लस चाहिए, अभी वन प्लस तो है ही नहीं यार, सिर्फ अकेला x है, तो मैंने वन प्लस वन आने के लिए क्या किया कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया x के साथ वन प्लस कर दिया और वन ही माइनस कर दिया, जिससे कि ये रहे तो बन के वही लॉग एक्स ही, बट मेरा फॉर्मूला वैलिड हो जाए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया वन प्लस एक्स माइनस वन, जिससे कि ये वन माइनस वन जीरो भी रहेगा, तो है तो एक्चुअली लॉग एक्स ही, बस थोड़ा सा इसको बदल दिया और अब देखो लॉग के अंदर जो इनपुट वन प्लस के साथ जो लिखा हुआ है वही चीज नीचे भी है, आंसर आया वन। बाय द वे सबसे पहले काम ये करके देख लिया करो, ऑब्वियसली वैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो सारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही दे रहा हूँ, बट फिर भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है, टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म दी ना हो, असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप सबसे पहले पुट करके जरूर देख लिया करो, एक्स को वन पुट करूंगा देखो ऊपर भी जीरो बन रहा है, लॉग वन जीरो, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म थी। अब सिक्स्थ करो जरा, यह वन मिनट मेरे को भी चाहिए, एक मिनट रुको इसे सॉल्व करो तब तक। हाँ जी आ गया आंसर क्या? नहीं सर एक मिनट।
नहीं अक्षत, नॉट माइनस टू। सर एक मिनट दे दो सर, हो जाएगा। बिल्कुल एक, क्या तू ले ले, एक मिनट तो ज्यादा है, देख 30 सेकंड्स ले ले, करता रहे, मेरी बात पर ध्यान मत दे, मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा तेरे को ऐसे ना। अच्छा जी, देखिए ऊपर ये बाहर दिया गया माइनस में, इस लॉग का बेस ऑब्वियसली ई है। जब भी कैलकुलस में हम लॉग की बात करेंगे, कैलकुलस में हमेशा बेस ई लिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम ही काउंट होता है हमेशा कैलकुलस के अंदर, हर जगह जहां भी लॉग यूज होगा बेस ई के साथ। तो यानी कि मैं वन को, अगर मैं वन को लॉग के साथ मिलाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मेरे को ये कर देना चाहिए कि इसको लिख देना चाहिए लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस वन को लिख दो लॉग ई टू द बेस ई। हाँ सर, यहां तक कर लिया, एक्स अपॉन ई हो जाएगा वो, तो ये बिल्कुल एक्स अपॉन ई हो जाएगा सर, यहां तक कर लिया था। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगी। हाँ सर, यही पहुंचा था सर, बाकी लिख रहा था अभी। तो ये बना log x upon e बेस e। अब इस पे तो फॉर्मूला लग नहीं सकता यार, तो इसको बनाना पड़ेगा मेरे को फिर से, 1 प्लस x by e माइनस 1। पहली चीज तो ऊपर वाली चीज को मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, मैं इसको ये लिख रहा हूं log of 1 प्लस x by e माइनस 1। फॉर्मूला इस पे लग नहीं सकता था, इसलिए पहले इसको चेंज करके रख दिया। अभी मुझे पता नहीं मेरे पास x by e minus 1 है नीचे कि नहीं, बट मेरे को उससे भी लेने देना नहीं है, मैं तो सीधा ये बोल रहा हूं कि भाई फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो सकता log x upon e पे, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये ऐसे ही कर सकता हूं। अब नीचे से क्या करूं, नीचे x by e minus 1 तो है नहीं, आप e कॉमन ले लीजिए। अगर e कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा x by e, यहां पे बचेगा माइनस के 1, सेम है 1 upon e कांस्टेंट है, e को तो बाहर निकाल सकते हो, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही है, और ये जो बचा है आपका इसकी वैल्यू पूरे की 1, ये आंसर हो गया 1 by e। यस सर, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ये लॉपिटल करते तो भी यही आता। Yes, sec pi upon 2 to the power x into log x. सबसे पहले तो x को 1 रख के देख लो आप, ये बन रहा है sec pi by 2 which is infinity and log 1 which is 0. तो भैया 0 into infinity को अलग मत समझना, दोस्ती है भाई है, 0 upon 0 infinity upon infinity सब एक ही है बात, तीनों इंडिटर्मिनेंट फॉर्म एक ही है। मैंने पहले कहा था आपसे 0 into infinity आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस as in के मतलब हार्ड कोर प्रॉब्लम जीरो इंटू इन्फिनिटी की नहीं होंगी, बट जीरो इंटू इन्फिनिटी हमेशा सॉल्व जो होगा वो जीरो पॉइंट जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि इस इन्फिनिटी को नीचे ले आऊं तो जीरो पॉइंट जीरो बन जाएगा, इस जीरो को नीचे ले आऊं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। ये भाई बंधु है तीनों, तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो लिखा हुआ है, बेसिकली जीरो पॉइंट जीरो ही है। सर ये खुद एक बार करें या आप बता रहे हो? पहले तुम करो, सर ऊपर वाला लॉपिटल से करेंगे तो 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस ई होगा ना, और फिर उसमें पुट करेंगे तो
लॉपिटल से मत कर, फिर से मैं कहूंगा रूल लगा। नहीं सर, अगर जैसे करना हो हाँ तो 1/x हो जाएगा बस, log x का। हाँ सर, log x का 1/x हुआ सर, 1 का तो छोड़ देंगे और x अपॉन ही 1 का नहीं, मतलब x का नहीं सर, मतलब जैसे माइनस में क्या कर रहे हैं, रुक जा, log x का करेगा ना, तो log का करेगा, log का करेगा तो 1 अपॉन इनपुट हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। हाँ सर, फिर x पे जाएगा और क्या कर रहे हैं, e कहाँ से आया? नहीं सर, x माइनस ई है ना, तो सर 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस ई होगा। x माइनस ई कहाँ है, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 6th की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर 6th का, ये वाला तो सर मैं रूल से ही कर रहा हूँ। हाँ तो कर ले, क्यों ही कर रहा है x बाई ई को भी, क्यों ही लेके आ रहा है पिक्चर में ई को भी, यही कर ना, यही से शुरू कर फिर, तो log x का कर सीधा, 1 अपॉन x बना, माइनस 1 का 0 हुआ, ये देख, ये नहीं होना चाहिए सर, e की पावर x का है, ये log x टू द बेस e है, log x टू द बेस e, इसका तो सिंपल 1 अपॉन x हो जाएगा, बस खत्म, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा e तो कांस्टेंट लेंगे, ठीक है सर, e से मतलब ही नहीं है कोई ना, बेस से थोड़ी ना मतलब, बेस से बस ये मतलब होता है कि अगर बेस e है तो मैं डायरेक्टली 1 अपॉन इनपुट कर सकता हूँ, अगर बेस कुछ और होता तो पहले बेस e में चेंज करना पड़ता तब 1 अपॉन इनपुट करता। यस ओके, चलो मेरे साथ ही करो ये अगले वाला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, log x अपॉन cos पाई अपॉन 2 की पावर x, तो मैं तो क्या कर रहा हूं कि मैं ये log cos sin, ये ना थोड़े से प्रॉब्लमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जब तक हमारे पास एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं तो हमें बातें भी ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं और उनके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं क्योंकि हमने पहले बचपन से पढ़े होते हैं। 11th 12th में जाके हमारा बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इनसे रिड्यूस कर लें। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स का क्वेश्चन आया, log x लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा कि मैं इसको log x को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि log x को हटा दूं और cos को भी हटा दूं। अब इनको हटाने के लिए मैं इसको log x को लिख रहा हूं log ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, है ना, जिससे कि x माइनस 1 नीचे डालूं तो इसका आंसर आ जाए, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यार, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं ये कर सकता हूं। और अब नीचे आ जाओ जरा, अगर आप cos पाई अपॉन 2 की पावर x की बात करें, राइट, तो cos पाई अपॉन 2 की पावर x को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, हम इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूले, एक तरीका तो वो है ना, या फिर मैं इस cos को साइन में बदल दूं, तो मैं इसको साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ये कॉस थीटा है तो मैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा ही आता है, और उसके लिए मुझे नीचे भी यही रखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 की पावर x, और ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पूरी बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैं इस लॉग को भी खत्म करना चाहता हूं, मैं इस साइन को भी खत्म करना चाहता हूं, और मैंने कर दिया, ये जो भी करा है मैंने यही करा है, ये वैल्यू 1 बन गई, ये भी वैल्यू 1 बन गई, बट करा कैसे पहले आप वो देख लीजिए, log x को चेंज करा, 1 प्लस x माइनस 1 करा, मुझे पता चला कि x माइनस 1 चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू 1 बना 1 बन गई, जब cos पाई अपॉन 2 की पावर x को लिखा तो साइन में लिखा, जिससे कि साइन x अपॉन x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊं, तो cos थीटा था ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, नीचे भी 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी फॉर्मूला एक बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, बेसिकली ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ये थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया, अगर मैं लॉपिटल भी लगाऊं तो मैं यहां से लगाऊंगा तो ज्यादा ईजी पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं लॉपिटल से भी जा रहा हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बात तो ये है,
तो ये भी वन और ये भी वन, वैल्यू बची सिर्फ एक्स माइनस वन अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई अपॉन टू की पावर एक्स, और ये भी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है, इसीलिए इनको बाहर निकाल के वन कर दिए। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में नीचे को अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो ऊपर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, नीचे से पाई बाई टू कॉमन निकाला मैंने, तो ये बचा वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन। टू की पावर एक्स था, एक टू निकल गया बाहर, तो टू की पावर एक घट गई, एक्स माइनस वन हो गया। यहां पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो पहली बात तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, टू अपॉन पाई बाहर निकाल दिए, ऊपर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, नीचे अगर इसका एलसीएम लूं तो ये बनेगा टू की पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, और अपॉन में टू की पावर एक्स माइनस वन भी होगा जिसे मैंने वहां भेज दिया। ये फिर से फॉर्मूला गाइस देख सकते हो, ध्यान से चेक करें। जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व वैसे तो, अगर आपको समझ आ गया हो तो x माइनस वन अपॉन टू की पावर x माइनस वन माइनस वन, ये ऐसी तो फॉर्म है, टू की पावर x माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, और लिमिट x टेंड्स टू वन, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जो टू की पावर में वही नीचे भी है, तो इसका आंसर होता log 2, तो इसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन log 2। क्या बोल रहे ऋषिक बोल दे। मैं कह रहा था सर ये सी क्या, तो आंसर आना चाहिए था टू अपॉन पाई लॉग टू। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लिमिट सॉल्व करना खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम दो फॉर्म्स और पढ़ेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एंड वन टू द पावर इन्फिनिटी, साथ साथ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये तीनों चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। इस तीन चीजें अगर खत्म हो गई और हम आगे बढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ पाए तो हमारी दो क्लास, दो भी पूरी क्लास चाहिए नहीं हमें। अगर दो क्लास में लूंगा लिमिट्स की तो मतलब मैं आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी करा रहूंगा उसके साथ साथ, तो दो क्लास में खत्म हो जाएगा होपफुली। एक क्लास और एक्स्ट्रा मैं अभी आपकी लगाऊंगा इसी वीक में, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट ट्यूजडे से पहले पहले हम लिमिट्स को खत्म कर दें और आगे बढ़ जाएं एलजेब्रा वाले पार्ट पर, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल।